हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं, मिठाई बनाने वाले हैं। आपको पता ही है कि फेस्टिवल बस शुरू ही होने वाले हैं, तो हम थोड़ी सी तैयारियां कर लेते हैं। पहले से बनाकर भी आप इसको रख सकते हो या फिर इंस्टेंट बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हलवाई होते हैं मार्केट में, हमारे जो हलवाई सालों साल से बैठे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, वो बहुत मेहनत करके, घंटों मेहनत करके मिठाइयाँ बनाते हैं। बट हम घर पर इजीली बिल्कुल फटाफट बनाने वाले हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं हैं। फटाफट आजकल जो टाइम है, फटाफट बनाने का टाइम है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो घंटों घंटों बैठकर किसी भी चीज़ को बनाए। तो आज की रेसिपी बहुत ही मीठी है, स्वीट है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिएगा पनीर, मावा नहीं है, पनीर है, ठीक है, पनीर। तो पनीर को देखिए, मैंने लिया है 250 ग्राम और मैंने इसको रख दिया है छलनी में इसका वाटर स्ट्रेन होने के लिए, ठीक है। ये देखिए, इसका पानी हमें बिल्कुल बाहर निकाल देना है। जैसे हम दही को करते हैं ना, टंगा दही बनाते हैं, वैसे ही आपको टंगा पनीर बनाना है, ठीक है। पनीर में से पानी बिल्कुल अलग कर देना है, तभी हमारी मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, नरम बनेगी और जैसा शेप हम चाहते हैं वैसी बनेगी। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ कम से कम 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे आपको करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छोड़ दिया था 3 से 4 घंटे के लिए और देखिए इसमें नीचे कितना सारा वाटर इकट्ठा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो वाटर है यही हमारी मिठाई को या हमारे रोल को या कोई भी हम मिठाई बनाए उसको बनने नहीं देता है। तो आपको पनीर में से पानी को बिल्कुल अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, या तो आप इसको ऐसा कीजिए, किसी बॉल में या किसी परात में या किसी कटोरी में आप इसको निकालिए और जैसे हलवाई इसको घंटों घिसते रहते हैं, आप इसको सॉफ्ट करने के लिए अच्छे से घिसते रहिए, या फिर मेरी तरह मिक्सी का जग लीजिए और बस उसमें डालकर आप इसको मिक्सी में 3 से 4 बार घुमा दीजिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए। और इसी टाइम पर अगर इसमें आप शुगर ऐड कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो आप वैसी चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें खांड ऐड करूंगी। ये बूरा नहीं है, पिसी हुई चीनी नहीं है, खांड है। हम काफ़ी सालों से, लगभग दो साल के करीब हो गया है, हम खांड ही यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्वीटनेस इसकी जो है चीनी जैसी ही है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आप ये जो चीनी आती है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कैलोरी बनाती है, बढ़ाती है, मोटापा बढ़ाती है। तो मैंने इसमें चीनी जितना हम खाते हैं उतनी डाली है, चीनी कह रही हूँ ताकि आप समझ सको, मैंने इसमें खांड डाली है। जिसको जितना मीठा पसंद है उतनी वो चीनी या कुछ भी इसमें ऐड कर सकता है स्वीटनेस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं इसको बस 2 से 3 बार इसको बस मिक्स कर लेती हूँ, तो ये हमारा पनीर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2-3 बार चला दिया है अच्छे से और जो हमारा पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से बाहर निकाल लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको बिना घी, बिना ऑयल, किसी भी चीज़ के बिना, हम इसे किसी भी नॉर्मल कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से बोल रही हूँ बिल्कुल लो हीट पर अपने फ्राइंग पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। आप, मैंने पहले ही बताया, कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में आप इसको हल्का सा, बस हमें इसे फ्राई करना है। तो मैं इसे अपने फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और बिना अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ऑयल वगैरह नहीं है। एक बार हमने इसको प्री हीट कर लिया अच्छे से, उसके बाद हम गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल लो कर देनी है आपको और इस टाइप से आपको इसको बस खाली फ्राई करना है और कुछ नहीं करना है, हमें हल्का सा इसको मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसका कच्चापन है ना फ्रेंड्स, बस वो दूर हो जाए और कुछ नहीं। बिल्कुल गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है और 2 से 3 मिनट के लिए बस आपको इसको ऐसे मिक्स करना है। तो इसका जो टेक्सचर है ना, वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमने इसमें पनीर नहीं यूज़ किया है, हमने मावा यूज़ किया है, बस ये ऐसा हो जाएगा और कुछ नहीं। और अगर आप इस स्टेज पर चाहो तो इसमें थोड़ा सा आप काजू, बादाम, किशमिश, ये सब जैसे ड्राई फॉर्म में आते हैं और हम इसको पीस ले, पाउडर फॉर्म में कर ले, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपका मन है। तो मैं भी ऐड करूँगी, पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पका लेती हूँ, इसका कच्चापन दूर कर लेती हूँ, उसके बाद वो सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। तो जो हमारी मिठाई बनकर आएगी, जो हमारा स्वीट बनकर आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, ताकि मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है आपको उसको भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ऑल पे प्रेस कीजिए, तभी जो भी मैं वीडियो डालती हूँ रोज़ उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से आपका एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका कच्चापन जो है वो दूर होने लगा है। तो देखिए ये मैंने रेडी करके रखा है, मैंने कोई स्वीट बनाई थी उसी टाइम पे मैंने इसको रेडी कर लिया था। इसमें है काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में डालकर पीस दिया, इसका पाउडर बना दिया है। जब भी मैं कोई मिठाई बनाती हूँ तो मैं उसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है हमारी स्वीट जो है उसका टेस्ट जो आता है ना बहुत ही लाजवाब आता है। तो मैंने लिया है सिर्फ ये 2 छोटे चम्मच और मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो आपको स्मेल नहीं आ रही है बट मुझे आ रही है कि जो हमारा पनीर है उसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसे मिक्स करके बस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल इसका जो टेक्सचर मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमने मावा लिया है, खोवा जिसे बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आप जल्दी हो, जल्दबाजी है आपको, काफ़ी जल्दी है कि मुझे कुछ और करना है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बाहर निकाल दिया है और बस इसको ऐसे फैला कर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसी स्वीट बनाएंगे जो बहुत ही जिसे बोलते हैं ना फीकी है। मुझे थोड़ी फीकी मिठाई पसंद है, ज़्यादा मीठी मुझे पसंद नहीं है। आप सबको पता ही होगा जो शुरुआत से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मेरा बर्थ प्लेस कोलकाता है, तो कोलकाता की स्वीट जो हैं कितनी फेमस है, और वहाँ सारी स्वीट जो होती हैं वो बहुत ही कम चीनी की होती हैं, फीकी टाइप की होती हैं, उनको जो शुगर पेशेंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो भी आराम से खा सकते हैं, इतनी फीकी होती हैं वो। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक में हम कलर मिलाएंगे और एक हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप चाहो तो इसको बिना ये जो मैंने डाला था 1 स्पून अपना ड्राई नट्स वगैरह, आप चाहो तो उसके बिना भी इसको बना सकते हो। तो उसके बिना ये जो बनेगा बिल्कुल वाइट वाइट बनेगा, ठीक है। मैंने उसको डाला है तो इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है, आपको थोड़ा येल्लो सा, थोड़ा रेडिश सा लग रहा है। आप चाहो तो उसके बिना भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए मैं स्पून को छोड़कर, कांटे को छोड़कर हाथ से ही करती हूँ। तो देखिए ऐसे हमें इसे अलग कर लेना है, और बिल्कुल हमने घर की चीज़ों से ही बनाया है तो बहुत हेल्दी है। इस टाइम जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला, फेस्टिवल सारे शुरू होने वाले हैं, तो आप घर पर ही बनाइए मिठाई, बाहर से कोई भी मिठाई ला कर उसको खाने की कोशिश मत कीजिए। आप सबको पता ही है कि बाहर कैसा माहौल है आजकल। तो देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो हम इसमें अपना कलर ऐड कर लेते हैं। बहुत ज़रा सा मैंने लिया है ग्रीन कलर, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही ज़रा सा है ये, ठीक है। एक में ही हम इसको मिलाएंगे, दूसरे में नहीं मिलाएंगे। तो ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है, तो ये हमारा वाइट रहेगा और ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। तो जब हम इसका रोल बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा कलर नहीं डाला है तो ये ज़्यादा ग्रीन ग्रीन नहीं होगा, बिल्कुल लाइट सा ग्रीन हो जाएगा, तो वही इनफ है और वही बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, कोई भी कलर आप डाल सकते हो। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप सिंपली जो हल्दी होती है हमारी किचन में, आप उसमें से बहुत ज़रा सी, एक चुटकी भी नहीं बोलूँगी, आधी चुटकी वो डाल देना। ज़्यादा अगर डालोगे तो वो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये देखिए दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा क्लियर। मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसमें कलर थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर और डाला है, क्योंकि जब तक ग्रीन कलर नहीं आएगा तो ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही लगेगा कि हमने कोई डिफरेंट कलर इसमें डाला है, क्योंकि दोनों सेम ही दिख रहे थे मुझे। तो ये देखिए अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दोनों के कलर बिल्कुल अच्छे से दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल ग्रीन है और ये थोड़ा वाइट पे है। तो इसके बाद हमें इसको रोल बनाने के लिए, सेट करने के लिए
या तो आप किसी पन्नी का यूज़ कर लीजिए, जो आर पार दिखने वाली पन्नी आती है, या फिर आप अपना होम फॉइल ले लीजिए, होम फॉइल भी बेस्ट है। तो देखिए मैं ले रही हूँ होम फॉइल, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसकी वजह से थोड़ी लाइटनिंग की इशू हो सकता है। दोनों तरफ से ऐसा ही है, आप कैमरे में ऐसा ही दिख रहा है दोनों तरफ से। तो देखिए हमें इसका रोल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले वाइट वाला लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वाइट वाले को हम लेकर अच्छे से इसमें बिछा देंगे नीचे, और ये जो हमारा है पनीर, ये बिल्कुल दानेदार है, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने मावा लिया है, खो लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसे तली में हम बिछा देंगे। आपको पता ही है कि मावा या पनीर जब हम लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट तरीके से बिछता नहीं है, जैसे हम रोटी को बिछा लेते हैं, फैला लेते हैं आराम से, वैसा नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता है। तो आपको अपनी फिंगर की हेल्प से बस इसको लंबाई में लगाना है, ठीक है। आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हो, आप इसको लंबाई में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका एक रोल भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसके दो तीन रोल भी बना सकते हो। मैं एक ही बनाऊंगी और इसको सेट करने के बाद इसको कट कर दूंगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं छोटे छोटे पीस ऐसे ही बना लूँ, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे हम लोई बनाते हैं, लोई बनाकर इस वाइट वाले के और उसके अंदर आप अपना ग्रीन वाला फिल कर दीजिए और उसको वापस से बंद कर दीजिए, तो ऐसे भी स्वीट बन जाएगी। बट मैं इसको बिल्कुल रोल बनाऊंगी एक सीधा सा, और इसको सेट करने के बाद चाकू से कट करेंगे तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए बस आपको ऐसे फैला लेना है, और दूसरा जो ग्रीन वाला है हमारा वो इसके ऊपर फैला देना है। उसकी हमें लेयर थोड़ी मोटी रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे वाइट वाले को, तो आपको इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने वाइट वाला फैलाया है वैसे नहीं फैलाना है। ये देखिए मैं इसका अच्छे से शेप बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे आपको लगा लेना है। इसके बाद देखिए जैसे हम रोल करते हैं ना किसी भी चीज़ को, आपको ऐसे रोल करना है। ये देखिए इस लेयर को आपको इसके ऊपर लाना है, आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा, और इस वाले को भी आपको ऐसे लाना है। जैसे रोल बनता है सेम वैसे ही करना है, अगर ऐसे ना हो पाए तो आप इस वाले पोर्शन को उठाकर ऐसे कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें रोल बनाना है इसका। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको यहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि हमें अभी दूसरा पार्ट भी नीचे की तरफ से ऊपर उठाना है। ये देखिए आप इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे रोल कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से आप इसको शेप दे सकते हो। अगर हमारा वाइट वाला पोर्शन थोड़ा कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए आपको ऐसे दबाने से ही पता चल जाता है कि कहाँ तक हमारा मटेरियल है, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो चाहे। तो जैसे हम टॉफ़ी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, टॉफ़ी को अपोजिट साइड में बिल्कुल हम टर्न कर देते हैं, आपको इसको भी वैसे ही टर्न करना है अपोजिट साइड में। इस वाले को इधर करना है और इस वाले को इधर करना है, तो ये दोनों अपोजिट साइड हो जाते हैं, और बिल्कुल टाइट कर देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से दबाया तो इसके टूटने का भी डर होता है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको ऐसे दबाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, रोल कर दिया है। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, या आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से रोल बना लिया है, अब मैं इसे रख देती हूँ कम से कम आधा घंटा के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको एक घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हो, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर हमारा ग्रीन वाला पोर्शन थोड़ा बाहर भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, व्हाइट वाला कभी कभी कम हो जाता है, ग्रीन वाला ज़्यादा हो जाता है, या आपने कोई भी किसी भी कलर का बनाया हो, येलो हो या फिर रेड हो, किसी भी कलर का बनाया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कलर, या फिर हमारा जो हमने तैयार किया है वो कम रह गया, रोल अच्छे से ना बना, तो कोई बात नहीं, बट स्वीट बहुत अच्छी बनेगी। तो मिलते हैं एक घंटे के बाद, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक घंटे के बाद मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ इस रैपर से, और फिर आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है हमारा। ये देखिए इसको ओपन करना बहुत ही आसान है, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसके जितने मोटे या पतले चाहें इसके पीस कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो गया, टाइट हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। तो ऐसे ही मैं सारे पीस कट कर लूँगी, और इसके बाद आप इसको टेस्ट करके देखना जब भी आप इसको बनाओगे कि ये कितना टेस्टी बना है। सारे पीस कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
दिवाली पे या इस रक्षाबंधन पे या कोई भी फेस्टिवल हो उस पे आप इसी को बनाइए। बहुत सारी मिठाइयाँ मैं बताने वाली हूँ, तो होम मेड रेसिपी जो है, होम मेड मिठाइयाँ जो है, आप उन्हीं को बनाइए। मार्केट से बिल्कुल मत लाना कोई भी मिठाई, इन्हीं को बनाइए और इन्हीं को खाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये मिठाइयाँ कैसी लगी, होम मेड मिठाइयाँ जो हमने आपको अभी बनाकर दिखाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल लग रही है, तो आप भी इसको जरूर बनाइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।